कांग्रेस की जय हो, जय हो, जय हो। काला और नीम तुम दोनों जाओ, रामाता से कोई दूध जा रहा है, संजीवनी लेने उसका रास्ता भंग करो, जिससे सूर्योदय हो जाए और लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। सूर्योदय होने के पहले अगर संजीवनी जाएगी तो उनके प्राण बच जाएंगे, इसलिए तुम दोनों जाओ, उनका रास्ता रोको। ठीक है महाराज, हम शीघ्र जाते हैं और उस दूत को पकड़ कर आपके पास लाते हैं। अब क्या कहेंगे? जय लंके। भैया अब ये बताओ, तू तो हो रामच, तू तो हो रामच, अगर ये ऐसे रहो ने पहचान सही बनना पड़ेगा। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वही बाणर है जो लंका को जला दिया था और सबको मारा था। हाँ हाँ भैया, वही का आप राह रोकने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, मार डालेगा, मेरी बस की बात नहीं है। जैसे ही राका चौड़ा के घसवा बदल ले तब ना मारे साधु को घोर भयकर कि सूर्योदय के पहले यहाँ से सूर्योदय देखे न जाए। ठीक है, भेषा बदलना पड़ेगा। अपने माया से मैं मंगवा रहा हूँ और भेषा बदलता हूँ। चल आए धोती मिले मेरी माया, अरे जल्दी करो भैया, ना आई जे तो चाहे बैठे ही वलार के मारे सब जन का जान लो। बदल भैया, बदल बदल बदल। ऐसे खोस लगावा से पहले बस ये जल्दी से अरे टोपिया निकाल दे जो पहरे है। हाँ
हाँ लगाओ सर्दियों लगाओ बस अब तो लागत वहां साधु हो ही गए देख से सवा तो हथवा में ऐसे लड़का ऐसे ऐसे जपे हो जाता पकड़ो सिसवा देखो हो गया कि नहीं अब है अब है अच्छा रात से लागत हो पैंडवा नहीं लगाया अरे बहन लगाओ कहाँ पकड़ो लगाओ अब शुद्ध साधु ला गया है भजन करी हाँ 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 बताई अमन भजन गाई सीताराम 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 हो आप कौन हैं
मेरा नाम हनुमान है। पता चला है कैसे कहा भाई कैसा। अच्छा ऐसा है कहिए बाबा कुर्सिया देखो हमारे मुट्ठी के पीछे एक खोर है उसमें जाकर आप स्नान पहले करें। स्नान करने के बाद में अपना वही पर प्यास उठा कर और आइए। उसके बाद में उनको आपको मैंने गुरु मंत्र दे दूंगा। जाओ स्नान करके आओ उसके बाद गुरु मंत्र आपको देंगे हम और उसके बाद गुरु मंत्र देने के बाद मुझको गुरु दक्षिणा चाहिए। ठीक है बाबा। हाँ जाओ हनुमान जिसे तुम ब्राह्मण जान रहे हो वो ब्राह्मण नहीं रावण का भेजा तो कान में भी है जो तुम्हारा रास्ता रोक रहा है ताकि तुम सज्जीवनी मुक्ति तक मत पहुंचो। देखो मकरी ने सब कुछ बताया देखो मकरी ने मैं पहले दक्षिणा देता हूँ फिर गुरु मंत्र देता हूँ। नहीं बच्चा पहले दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं हमारे यहाँ का रिवाज है पहले दक्षिणा दिया जाता है फिर गुरु मंत्र लिया जाता है। अच्छा ठीक है तो लाइए पहले गुरु दक्षिणा दे दी जाए। जैसे राम को देखिए राम बिहारी राम जो कि मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हनुमान और पाल मन के सिर पे खुशो बल के 10 रुपए का पुरस्कार दिया गया आता तो आप जाकर बेटी के तरफ से कोटा होगा। हनुमान जी कहा बैठा है तो बारह लाभ हो जाएगा तू अपना बैठा मारे ना हम थोड़ी अपने चैनल में लगा देंगे हेलो हेलो हेलो। जैसे कि आप सब आज ये रामलीला का कार्यक्रम देख रहे हैं डायरेक्ट अगर ये सब आप लाइव देखना चाहते हैं तो आदर्श रामलीला समिति ग्राम बनिया जो बस्ती यूट्यूब पर ये चैनल सर्च करके पूरा लाइव आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये लास्ट से और एंड तक आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा पार्ट बाई पार्ट।
तो जैसे कि आपने जो चीज आपसे सिर्फ छूटा हुआ है, आप नहीं देख पाए वो चीज, वो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार चैनल का नाम बता देता हूँ, सूरज वर्मा यूट्यूबर के नाम से भी आ जाएगा और आदर्श राम लीला समिति के नाम बनिया जो बस्ती के नाम से भी आ जाएगा। ये दोनों सर्च करेंगे फ्रंट प्रिंट पे आएगा आपको। हरि कमल नमः कैवासरी, हरि कमल नमः कैवासरी, हरि आई गई गरिया कमल नमः कैवासरी। मैं क्या देख रहा हूँ, सुशैन मैम ने तो बताया था कि पर्वत पर जो बूटी होगी वह सूर्य के समान चमकती होगी, लेकिन यहाँ तो सभी बूटियां चमक रही हैं। मैं पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा ले चलता हूँ। वहां पर बैर सुशैन खुद ही पहचान लेंगे वो बूटी। जय श्री हनुमान जी, हनुमान हनुमान जय श्री राम। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, लगता है कोई दानव हमारे अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। बड़ा ही विशाल दानव है, मुझे इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। तो मेरे बड़े भैया हरे राम जी का नाम है, हरे राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई, किसने आवाज लगाई, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई, बहुत प्यारा पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस सात प्रकृति के कड़कड़ में मीठी झनकार भरी तूने। आप कौन हैं और आप मेरे बड़े भैया श्री राम जी का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं रामदास हनुमान हूँ। मैं भैया लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर जा रहा था। उनको क्या हुआ? भैया मूर्छित हो गए हैं, उनको शक्ति बाण लगा है। अगर सूर्योदय से होने से पहले मैं नहीं पहुंचा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम मनाऊंगा। ही मैं वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। आप कौन हैं? मैं उनका छोटा भाई भरत हूं।
प्रभु का भाई प्रभु ही होता है। प्रभु कहिए मुझे, प्रभु राम होकर बहुत ही कृपा है, मैं आपके पास से भी देर जा सकता हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है, आप प्रस्थान करें और जल्द से जल्द वहां पे पहुंचिए। ठीक है भैया, जय श्री राम। प्रभु मैं गोटी लेकर आ गया हूँ, भैया का जल्द से जल्द उपचार कराएं। वैद्यराज अब शीघ्र ही मेरे भाई को जीवित कीजिए। भैया हमारा धनुष कहाँ? भैया
मैं ये कहाँ आ गया हूँ। भैया ये रहे तुम्हारे धनुष, भैया शांत लक्ष्मण शांत। अब भैया तुम युद्ध भूमि नहीं में हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आया था और उस संकट का निवारण करने वाले हैं कौन? पुत्र हनुमान। प्रणाम हनुमान जी, विजयी हो। भैया मुझे आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे एक बार युद्ध भूमि में जाने का अवसर अवश्य प्रदान करें। मैं उस अभिमानी को इस बार अवश्य मृत्यु के घाट उतारकर तभी आपको अपना यह मुंह दिखाऊंगा। भैया लक्ष्मण अवश्य जाओ, परंतु ये लो तुम रामबाण, यह कभी खाली नहीं जाता है, इसको चलाने पर तुमको सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। छोटा भाई लक्ष्मण फिर से जीवित हो गया। क्या कहा? राम का छोटा भाई फिर से जीवित हो गया। जी महाराज, मेरे पुत्र इंद्र कुमार को फिर से बुलाया जाए जिससे वायुर स्थल में दोबारा उनको पराजित करे। ठीक है महाराज।
राजू भाई स्टेज पर आ जाए। महाराज राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, अयोध्या के लिए कार्यक्रम दिखाया जाएगा। आप लोग अभी जाइएगा, अभी भगवान श्री राम का राज तिलक भी दिखाया।